प्रभाकर दटके स्मृति सेवा संस्था की ओर से शहर के जैन कला समाज भवन में पिछले चार दिनों से दिहाड़ी कामगार, ठेकेदार और पर्यटक ऐसे कुल मिलाकर 75 लोग की मेडिकल जांच मनपा के स्वास्थ्य विभाग द्वारा की जा रही है। प्रतिदिन इन्हें दो टाइम भोजन, चाय, बिस्कुट सेवा संस्थान की ओर से दी जा रही है। स्वर्गीय प्रभाकर दटके स्मृति सेवा संस्था की ओर से शहर के रेशमबाग के जैन कलार समाज भवन में पिछले चार दिनों से दिहाड़ी कामगार, ठेकेदार और पर्यटक ऐसे कुल मिलाकर 75 लोग हैं। मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, आमगांव गोंदिया, यहाँ के लोग मौजूद है। इन लोगों की मेडिकल जाँच मनपा के स्वास्थ्य विभाग द्वारा की जा रही है। संस्था की ओर से इन लोगों को जीवनावश्यक वस्तुएं दी जा रही है। 70 पुरुष और 5 महिला और एक छोटा बच्चा भी है। इन्हीं में से कुछ कलाकार अपनी कला को मनोरंजन के तौर पर पेश करते हैं। पूरी रात को सुरक्षा देने के लिए सक्करदरा के पुलिस रहते हैं और संस्था के 4 लोग भी रहते हैं। लोगों की देखभाल का जिम्मा पूरी तरह से विजय चौरसिया, प्रफुल्ल नाइक, प्रफुल्ल वानखेड़े, उमेश वाजुरकर, राजेश कनेरे, राजेश श्रीवास, आनंद आदि लोगों के कंधों पे दी गई है, जिससे ये लोग पूरी तरह से कामकाज कर रहे हैं। दर्शकों, इस समय में हम रेशमबाग के जैन कलर सभागृह में है, जहाँ पे स्वर्गीय प्रभाकर राव दटके इनके स्मृति संस्थान की ओर से आप देख सकते हैं कि 75 लोग जो दिहाड़ी कामगार और अन्य लोग हैं, इनको यहाँ पे लाया गया है। ये तमाम जो बेड़ा आप दिखाई दे रहे हैं, यहाँ देख रहे हो, ये तमाम लोग यहाँ पे आए हुए हैं, अलग अलग राज्यों से, अलग अलग शहरों से आए हुए हैं। इन लोगों को प्रतिदिन काफ़ी अच्छी सेवाएं इस संस्थान की ओर से दी जा रही है। सुबह का खाना, दोपहर का चाय, फिर रात का खाना, मनोरंजन के कई प्रोग्राम, इस तरह से लोग यहाँ पे है। और हम ये कह सकते कि इनको क्वारंटाइन किया गया है। भले कोरोना से इनके अभी कोई ऐसे रिजल्ट आया नहीं है, इनकी जांच पड़ताल की गई है, लेकिन ये निगेटिव आए हैं। मगर सरकार ने जिस प्रकार से जो आदेश दिए हैं कि जो जहां है वहीं रुक जाए, अपने गांव को न जाए, क्योंकि कोरोना का संक्रमण बढ़ सकता है, जिसके चलते उनके साथ साथ उनके परिजनों की जान भी खतरे से घिरी रह सकती है। एहतियात कदम उठाते हुए लोगों को ये हिदायत दी गई और लोग उसका पालन करते हुए नजर आए। अब हम आपको अंदर की ओर ले चलते देखना चाहेंगे कि किस तरह से ये जो लोग हैं, इन्हें संस्थान की ओर से क्या सहूलियत दी जा रही है। आइए हमारे साथ, चलिए अब इनसे भी जानना चाहेंगे। आप कहाँ से आए हो? हैदराबाद से। हैदराबाद दिन हो गए यहाँ पे? दो दिन हो गए। कौन से गांव से आए थे हैदराबाद? अब कहाँ जाना चाहते हो? MP बैतूल। आपको यहाँ क्यों रोक लिया गया? कोरोना वायरस है ना सर। बिल्कुल, हम सभी लोगों से बात तो नहीं करना चाहते, लेकिन जिन लोगों से बात किया उन्होंने ये बताया कि कोरोना वायरस को लेकर इन लोगों की यहाँ पे इन्हें रोका गया है। ये काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि संक्रमण जो फैलता है वो किसी जात धर्म पंथ या किसी का वर्ण देख के नहीं आता। जब वो दस्तक देता है तो पूरी दस्तक देता है और अपने आगोश में भी लेता है। मौत की नींद सुला देने वाले इस कोरोना वायरस से जनजागृति दो हाथ करने के लिए इस प्रकार की संस्थान काम कर रही है। आप देख सकते कि ये तमाम जो लोग हैं पूरी तरह से तैयार दिखाई दे रहे हैं। यही वही लोग हैं जो दिन रात इसके लिए काम कर रहे हैं, और इनके पीछे में और भी ऐसे सैकड़ों संस्थान के लोग हैं जो दिन रात काम कर रहे हैं, लेकिन ये लोग काफ़ी मेहनत कर रही है, उनसे जानना चाहेंगे। इस समय में हमारे साथ में इस संस्थान के एक बुजुर्ग व्यक्ति हमारे साथ में, क्या नाम है आपका, क्या कहना चाहूँगा? विजय चौरसिया हूँ मैं, और मैं इस संस्था से जुड़ा हुआ हूँ। लोगों को सेवा कार्य करना है करके हम पिछले चार दिनों से यहीं भिड़े हुए हैं, और आपने व्यवस्था देखी हुई है। आपको अगर इसके अंदर और किसी भी प्रकार की गुंजाइश मौजूद होती है तो कृपया हमें बताएं, हम कोशिश करेंगे। कितने लोग यहाँ पे रखे गए हैं? अभी 75 हैं। कहाँ से आए थे ये लोग? ये अलग अलग प्रांतों से आए हैं। अभी कुछ लोग बंगलोर से आए हैं, कुछ लोग हैदराबाद से आए हैं, इनको इधर ग्वालियर जाने का है, किसी को झारखंड जाने का है, किसी को इधर राजस्थान में जाने का, ऐसे लोग हैं। सर, आप बताएं कि जिस तरह से आज लोगों को जो खाना जो परोसा जा रहा है, आप जिस प्रकार से इनके काफ़ी अच्छे मतलब देखभाल जो कर रहे हो, क्या लगता है परिवार के लोग और इनमें क्या फ़र्क महसूस कर रहे हो? एक गर्व की बात है कि हमको ऐसा एक मौका प्राप्त हुआ है। हम संघ के कार्यकर्ता हैं, हमको जो दायित्व सौंपा जाता है हम उसे पूरा करते हैं। एक गर्व महसूस होता है कि हमको समाज में एक सेवा का मौका मिला है। हमारे वरिष्ठ गुड्डू भैया जी आपको ज़्यादा जानकारी दे सकेंगे इस बारे में। बिल्कुल, जोश से जोश जले, आप क्या कहना चाहोगे? पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा है कि जान है तो जहान है, उस विचार को सामने रखते हुए हमारे स्वर्गीय प्रभाकर राव दटके संस्थान ने ये काम हाथ में लिया है, जिसमें मनपा के सहयोग से जो अदर प्रांत के लोग नागपुर में पकड़े गए हैं, जिनको नागपुर पुलिस ने रोक के रखा है, ऐसे लोगों की हम सेवा करना चाहते हैं।
आज चार दिन से हम यहाँ 75 लोगों को दो टाइम का भोजन, दो टाइम नाश्ता, दो टाइम चाय दे रहे हैं और संघ के विचारों को सामने रखते हुए, राष्ट्रीय स्वयं संघ के सभी कार्यकर्ता हैं, उनके विचारों को रखते हुए समाज सेवा काम कर रहे हैं। ये बताइए कि कितने घंटे आपकी यहाँ पे ड्यूटी लगी है और क्या कहना चाहोगे, कितने यहाँ पे आप कांस्टेबल लोग रुकते हो? यहाँ पे दो दो लोग रुकते हैं, 12-12 घंटे ड्यूटी रहती है, 24 घंटे हमारी ड्यूटी है। यहाँ पे जो लोग हैं आने जाने वाले, जो लोग रुके हैं उनके ऊपर निगरानी रखना, उनको कोई प्रकार की तकलीफ ना हो। और कब घर जा सकते हैं? ये अभी जब तक लॉकडाउन चालू है उसके बाद ही जाएंगे, लॉकडाउन खत्म होने के बाद। जब तक सरकार का आदेश नहीं आता तब तक ये यहीं पे रुकने वाले। आप कौन से थाने से? हम सक्करदरा थाने से। बिल्कुल, तो आप थे कांस्टेबल सक्करदरा थाने के जिन्होंने बात करते हुए कहा कि सरकार का जब तक आदेश नहीं आता, आदेश का पालन करना हमारा काम है, अगला आदेश आने तक के ये लोग यही रहेंगे क्योंकि लॉकडाउन पूरे शहर में हो चुका है और इसका पालन घर बैठे लोगों ने भी करना है। लोग अक्सर अब सड़कों पर निकलते हुए घूमते हुए नजर आ रहे हैं, इसमें कोरोना वायरस और भी बढ़ सकता है। एहतियात कदम बरतते हुए हम सब ने घर में रहना चाहिए, तब कहीं कोरोना वायरस को सो दूर इस देश से, इस पूरे विश्व से बाहर सकता है, बशर्ते हमें उसके लिए घर में रहना होगा। नागपुर के जनकला सभागृह से कैमरा पर्सन सुभाष बुटले के साथ संजय मीरे, इनबीसीएन न्यूज नागपुर।